हेलो तो बोल दो सबको। यार बेल खत्म हो गया घाम नेहा को प्रो थी बाजू जा चलो निकलो देखिए यार बढ़िया भात दे दो। और मम्मी के हरो पे साग पात साग पे दे हरो मुंह और वहां देखो तुम धनिया देखो प्याज देखो और वो देखो आलू देखो गोभी देखो और के कह रहा लहसुन प्याज मूली और धनिया मटर और क्या बोलते हैं मेथी। ये महाराज ने फैला दिया है सब दिल्ली के इतना अच्छा बना दिया बिल्कुल टाइल बिछा दिए रास्ते में टाइल रास्ते में हाँ। अच्छा और पानी। हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं अंजलि आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल अंजलि दिवाकर ब्लॉग्स में। तो दोस्तों मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है वो भी सुबह के 8:30 बजे से। तो नाश्ता पानी हमारा हो चुका है और आज जा रहे हैं मम्मी लोग अपने मायके में मम्मी गरिमा और सरांस। तो चलो दोस्तों पूछते हैं मम्मी से कि वो किस लिए जा रहे करके। तो हेलो दोस्तों आज जा रही हैं मम्मी अपने मायके और साथ में दो अपने घंटू मंटुओं को लेके एक तो ऊपर दुकान में है ये है। तो मम्मी आज अकेले अंदर जाम साज मुको मैथ दादी बोल रही घर और मैं दीदी राम उनको मिले हैं तब जा रही हूं। अच्छा कहते हो दीदी कहे जो तो लाइन ऐसे कर लो 10 बजे तक। हां तो मैं जा रही हूं गरिमा और अच्छा तो ये लोग अभी साथ में ही जाएंगे। दीदी रहती है टाना में तो ये लोग जाएंगे अभी और भाई जा रहे छोड़ने के लिए। साथ में जा रहे गरिमा और सरांस और मम्मी आज पहन के जा रही है बहट के डुबके वाली स्वेटर तो ये दिखाओ बोले मम तो बताना दोस्तों कि ये स्वेटर कैसी लग रखी है हम लेके आ रखे हैं मम्मी के लिए स्वेटर बहट के डुबके वाली। और सेंटी भी जा रहा है। सेंटी कहाँ जा रहा है आज? ये तो लुकी गया है ये तो लुकी गया है। पापा की लगी हुई है सरकारी नौकरी अपने नातियों को घुमामी ये देखो बनाना पापा ये खुटाल ज्यादा चल रहा है साइकिल में कम तो मम्मी लोग भी चले गए हैं और अब आएंगे सीधे शाम को तो दिखाऊंगी मैं बाद में आपको। तो दोस्तों मम्मी लोग भी चले गए हैं अपने मायके को। मम्मी चली गई अपने मायके को आपको दिखाई दिया है क्योंकि वहाँ पे उनके भाई लोग आ रखे हैं। तो दोस्तों अभी हम बना रहे हैं नींबू और दिखाती हूँ अभी आपको नींबू। तो काफ़ी लोग तो नहीं मतलब और भी आ रखे हैं नींबू खाने के लिए। तो अभी तो भाई और मामा बना रहे हैं नींबू और अभी दिखाते हैं चलो। तो अभी यहाँ पे नींबू बना रहे हैं ये खड़े हैं और मामा हो गए चाचा हो गए और सरजी हो गए और ये भैया हो गए तो बना रहे हैं शानदार ढंग से नींबू। तो ये देखो बना दिया है बस इसमें मिक्स करना बाकी रह गया है और सर भी आ रखे हैं काफ़ी टाइम बाद छुट्टी के दिन। तो चाचा तो बिल्कुल भागे भागे आ रखे हैं नींबू खाने के लिए कहीं से क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा पसंद है नींबू। तो हम लोग सभी ऐसे मतलब साथ में एकजुट होकर खाते हैं क्योंकि हमारा घर रास्ते में है और सभी लोग आ जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो दोस्तों चाचा को तो स्पेशली फ़ोन करके बुलाया जाता है क्योंकि अगर ज़्यादा लोग रहते हैं ना तो अच्छा लगता है नींबू खाने में भी। तो वो जहाँ भी होते हैं फिर उनको आना पड़ता है क्योंकि उनको फ़ोन गया हुआ है तो आना तो पड़ेगा ना। ख़ास तौर पर मामा और चाचा इन दोनों को तो इतना पसंद है ना क्या बता दो। और भाई तो हमारे नींबू बनाने वाले हुए खाते तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आजकल ना ऐसा ही हो रहा है कि जैसे ही दिन के 12:30 हुए और हमें नींबू बनाना स्टार्ट कर देना होगा क्योंकि अच्छी खासी धूप रहती है छत पे और छुट्टी के दिन तो अलग ही मजा है क्योंकि सब लोग होते हैं। मामा ने
खा भी लिया है थोड़ा बहुत, उसको बताने ताऊजी कैसा हो रहा नींबू? नींबू अच्छा हो रहा है, अभी खाया नहीं है। घाम नहा को प्रो थी बाजू जी, देखिए यार बढ़िया हाथ दे दो खत्म हो ठीक हो रहा है। पर जो भी है ये चाचा हमारे कहीं भी जाया रहते हैं नींबू खाने के लिए हमारे टाइम पे पहुंच जाते हैं। नींबू इतना अच्छा लगता है इनको, ले तू दे। हेलो तो बोल दो सबको, ले बेल खत्म हो गई है नींबू ने सड़ना है तुझे छोड़ दे लाइक में शिलो सूरी मिल गो मगे मिल गो नींबू चाहिए। ये हमारे सर भी आ रखे हैं हमें नींबू खाने के लिए आज। सेरो हीरा वाले की जी बोल ले हरी बोल। ओ चाचा नींबू कैसा हो रहा है? बढ़िया हो रहा है। अभी आप नींबू खाने के लिए कहाँ से आए ये बताओ पहले? नौवाड़ा से। कल आए जल्दी से। चाचा नींबू बहुत अच्छा लगता है आपको? बहुत अच्छा। ये बिस्किट कहाँ है? तो दोस्तों देख ही लिया होगा आपने कि नींबू बन गया है घर के, और हमने नींबू खा भी लिया और सब लोग चले भी गए नींबू खा के। तो अभी मस्त वाली धूप आ रखी है, आज कपड़े धोए थे तो वो सुखा रखे हैं। तो मम्मी आ गई हैं अपने मायके से और लेके आ रही है बहुत सारी मूलियाँ। ये देखो अभी साफ कर रहे हैं, अभी दिखाते हैं आपको। और मम्मी के हरा पे साग पात साग पे अभी मूँग, और वहाँ देखो तुम धनिया देखो प्याज देखो और वो देखो आलू देखो गोभी देखो। और क्या कह रहा? लहसुन प्याज मूली और धनिया मटर मटर और क्या बोलते हैं मेथी और ये गोभी ओहरे और पानी जो यूँ घर है टमाटर है नहीं हूँ ऐसी भिड़ा में लग रही है ऐसी उन्हा झल कर ही नहीं तो गुच्छा गुच्छा रही टमाटर जो एक बार एक बार जान पड़ो होते आप तो कुछ है नहीं हूँ को ना हमारा हरी छन पन हम लोग ऐसी लघुला बर्बाद कर रहा हूँ ऐसी बटे रहो नहीं अरे झुक कर झुक हरी रहे तो वहाँ के ग्राम प्रधान देखो क्या क्या कर दिया उन्होंने वहाँ एक ग्राम प्रधान देखो दे पाओ इतना फैला है और हमारे ग्राम प्रधान ने सारा फैला दिया है। ये देखो ये देखो बुड़मुकोट पे साग अरे सब फैले साग लगे और पानी पानी समस्या छो नहीं छोड़ पानी छबसे तो के मतलब नहीं है घर घर हैंडपंप छो आज पान पानी न और जो घर के नीचे हुनर बंद छी लोग लग रही और जो घर के छी वहां पर लोग खोलो पानी पानी बोतल में भर ले जानी ना पानी भजे रे गिलास में बोतल में भजे ले जा पी पानी। अब एक बार जाते हैं वहीं ढूं तो आपको दिखाएंगे जरूर एक बार। वाओ ये तो बहुत हरा मुंह बिल्कुल दुनगिरी मुंह फेल कर रहा है यार तो हमारे हर चीज पर हमारे तो अब खत्म हो गो पर यह तो मुंह कुछ ज्यादा ही हरा यार मूरी मुंह और ही हरा और हमारे इसने सब फैला दिया है। तो अब गरिमा बताएगी आप लोगों को कि वहाँ क्या क्या देखा, क्या देखा तूने वहाँ बताना जरा। वहाँ हर घर के हर घर में को वो टायर लगा रखे थे लगा रहे अभी और वहाँ पानी की समस्या बिल्कुल नहीं है। और सब्जी क्या हो रखी, सब्जी क्या क्या हो रखी है वहाँ पे? वहाँ टमाटर हो रखे है, ये मूलियाँ हो रखी है और वो धनिया वो सब हो रखे है। तेरा मन कर रहा था नहीं आ रहा कर रहा था वहाँ से यहाँ आने का मन करम छी नहीं करम छी था? हाँ हाँ बहुत कर रहा था। गुड़िया बोल रही है तो मेरे को घर आके सीधे कि वहाँ तो बिल्कुल लहसुन प्याज और मटर और तो ये देखो इतना सारा मूली आ रखा है वहां से और ये हमारे प्रधान जी ने फैला दिया है। ये देखो ये महाराज ने फैला दिया है सब। तो ये बेचारा छोटा छोटा सा उसको घुमा रहा है जो ठूल छू आराम से बैठ रहा छोटा आफत निकल रहा है।
इसको आ जी मिलो किसी को बुढ़ मुकोट ए तब कम से तो पापा पापा रात को फोन फोन लीजिए हर जो ना लड़े दिन ये देखो तो धूप भी जा चुकी है वो देखो वहाँ पहुँच गई है। तो इसी के साथ साथ मैं इस वीडियो को भी एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। तब तक के लिए बाय।